हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडिया। सुपर आइडियाज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज है 8 अगस्त। उत्तराखंड की बड़ी खबर इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। इससे पहले ओलंपिक्स की बात कर लेते हैं। ओलंपिक्स में कल का जो दिन है वो बड़ा ही शानदार रहा। बड़े सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा भारत का नाम। तो पहला गोल्ड मेडल मिला ओलंपिक्स का, एकमात्र गोल्ड मेडल जो कि नीरज चोपड़ा ने जीता। एथलीट्स जेवेलियन थ्रो में उन्होंने जीता, अपना शानदार प्रदर्शन किया और गोल्ड मेडल भारत के नाम किया। इसके साथ ही बजरंग पुनिया ने कल ब्रॉन्ज मेडल कांस्य पदक जीता। हालांकि अदिति अशोक गोल्फ में मेडल नहीं ले पाई, लेकिन काफी अच्छा शानदार प्रदर्शन उनका भी था। चौथे स्थान पर वो विजय रही। आज टोक्यो ओलंपिक्स की क्लोजिंग सेरेमनी है, आज टोक्यो ओलंपिक्स खत्म हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। इसके साथ एक और खुशखबरी आप लोगों के साथ शेयर करनी है कि अगर अभी आप देखेंगे तो मैंने सब्सक्राइबर मोड ऑन कर दिया, आप सब्सक्राइब देख सकते हैं। और हमने अपने 100K पूरे कर लिए हैं, तो 100K की फैमिली सुपर आइडियाज पर कंप्लीट हो गई है। उसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। शुरू करते हैं आज की वीडियो। कोतवाली पुलिस ने मुहर्रम को लेकर कुन्हारी में जिम्मेदार लोगों की बैठक ली और ग्रामीणों को सरकार की गाइडलाइंस की जानकारी दी है कि पिछले साल की तरह इस बार भी मुहर्रम पर न तो ताजिए रखे जाएंगे और न ही जुलूस निकाला जाएगा। ग्रामीणों ने भी उन्हें सहयोग का भरोसा दिया। उत्तराखंड के जोशीमठ में शनिवार को एक होटल ढह गया। गौरतलब है कि यहाँ चमोली जिले में लगातार बरसात हो रही है, इसके चलते पहाड़ कमजोर हैं और कई जगहों पर भूस्खलन का खतरा पैदा हो गया है। आज जो होटल ढहा है वह बद्रीनाथ हाईवे पर स्थित है। नीचे की तरफ भूस्खलन होने के चलते इन 3 मंजिला होटल का एक हिस्सा ढह गया। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। असल में खतरे का अनुमान लगाते हुए ही इस होटल को पहले ही खाली करा दिया गया था। कोरोना की दूसरी लहर दम तो तोड़ रही है और कोरोना के कुछ मामले निरंतर सामने आ रहे हैं। प्रदेश में बात करें एडल्ट की तो 38 व्यक्ति संक्रमित मिले हैं। कोरोना संक्रमित किसी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है। तो 24 घंटे में 22,451 व्यक्तियों की जांच भी की गई है। संक्रमण दर 0.17 पहुंच गया है और सबसे ज्यादा मामले जो 8 जिले हैं जहां से कोई भी व्यक्ति संक्रमित नहीं पाया गया वो है देहरादून। सबसे ज्यादा 8 मामले देहरादून से आए हैं और पौड़ी से कोई व्यक्ति संक्रमित नहीं मिला है। इसके साथ ही अगर हम बात करें छोटे बच्चों के लिए तो कोविड की तीसरी लहर छोटे बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है और इसकी आशंका WHO से लेकर तमाम स्वास्थ्य विशेषज्ञ जता चुके हैं। और ऐसा लगता है कि उत्तराखंड में तीसरी लहर ऑलरेडी आ चुकी है, क्योंकि पिछले 10 दिनों में अगर हम बात करें तो 46 बच्चे कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। तीलू रोतेली पुरस्कार की बेटी बंटी रेवड़ी और मंत्री की बेटी और महिला भाजपा नेता का नाम सूची में शामिल है। तो तीलू रोतेली पुरस्कार के लिए जिन 22 महिलाओं के नामों की सूची जारी की गई है उनमें कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल की बेटी दीपिका चुफाल को सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र के लिए पुरस्कार दिया गया है। प्रमाण पत्र से हटेगा पूर्वी पाकिस्तान का ठप्पा। तो उत्तराखंड में बसे लाखों विस्थापित बंगालियों ने किया इसका स्वागत। बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी पाकिस्तान बनने और फिर बांग्लादेश के रूप में नए देश के निर्माण के बीच में 1956 से 1970 के दौरान लाखों की संख्या में बंगाली परिवार विस्थापित होकर उत्तराखंड चले गए थे। उनमें से अधिकतर उधम सिंह नगर में बस गए थे और इनके प्रमाणों पर पूर्वी पाकिस्तान का ठप्पा लगा था। तो अब ये जो पूर्वी पाकिस्तान का ठप्पा है वो अब हटा दिया जाएगा। हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया के घर से बाहर पटाखे फोड़ने में एक गिरफ्तार, हालांकि 2 फरार हैं। तो महिला हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया के घर के बाहर बुधवार रात पटाखे फोड़ने और परिवार के सदस्यों से जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए अभद्रता के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है और आरोपी विजय पाल पुत्र टीटू पाल निवासी रोशनबाद को जेल भेज दिया गया है। कुंभ के दौरान फर्जी कोरोना जांच करने वाले लैब्स पर ईडी का सिकंजा। एक ही पते पर और मोबाइल नंबर पर कई एंट्रियां मिली, दस्तावेज जब्त कर लिए गए हैं। तो शुक्रवार को उत्तराखंड में कुंभ मेले के दौरान फर्जी कोरोना जांच घोटाले के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में 5 लैब के शीर्ष अधिकारियों के घरों और दफ्तरों में तलाशी ली गई है। मामले उत्तराखंड पुलिस ने केस दर्ज किए हैं। इसके बाद ये जाँच की गई है कि इन लैब्स को राज्य सरकार ने ही कुंभ मेले के दौरान जाँच करने का आदेश का ठेका दिया था। उत्तराखंड के सीएम का कहना है कि राज्य कोविड के खिलाफ 100% टीकाकरण हासिल करेगा। समय सीमा जो है वो दी गई है, तो अगले 4 महीने की समय सीमा रखी गई है, जिसमें कि चाहे मैदानी क्षेत्र हो चाहे पहाड़ी राज्य के दूर दराज के हिस्से हो वहां तक शिविर लगाया जाएगा और 100% टीकाकरण हासिल किया जाएगा। उत्तराखंड ने हॉकी स्टार वंदना कटारिया के लिए 25 लाख नगद इनाम की घोषणा की है। वंदना कटारिया ने टोक्यो ओलंपिक्स में महिला हॉकी में भारत के प्रदर्शन में शानदार योगदान किया।
उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में भारी बारिश अलर्ट। उत्तर भारत में बारिश की गतिविधि 10 अगस्त से स्पाइक के लिए। अगस्त का महीना एक गीले नोट पर शुरू होने के बाद देश के उत्तरी और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में बारिश की गतिविधियां कम हो गई हैं। हालांकि 10 अगस्त तक 3-4 दिनों तक मौसम जो है बारिश का बना रहने की संभावना है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है कि पहले हम कुंभ मेला आयोजित करने की गलती करते हैं, फिर चार धाम होते हैं और हम बार बार खुद को शर्मिंदा क्यों करते हैं। तो जब कोर्ट ने सोशल मीडिया पर कई पुजारियों को बद्रीनाथ और केदारनाथ में सोशल डिस्टेंसिंग मानदंडों का उल्लंघन करते हुए देखा तो ये हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नीरज चोपड़ा को ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने पर हार्दिक बधाई दी। चोपड़ा ने इस ओलंपिक में देश का 7वां पदक और पहला स्वर्ण पदक जीता है। निशानेबाज अभिनव बिंद्रा 2008 में बीजिंग में भारत में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक विजेता के रूप में शामिल हुए थे और उसके बाद ये भारत का पहला स्वर्ण पदक है, गोल्ड मेडल है। तो आज की शुरुआत की थी हमने गोल्ड मेडल से और एंड भी करते हैं गोल्ड मेडल पर ही। एक बार फिर से आप लोगों को कांग्रेचुलेशंस, आप लोगों को हार्दिक बधाइयां। ओलंपिक्स की बात करें तो अब तक जो टोटल मेडल आए हैं, 2 सिल्वर मेडल आए हैं रवि दहिया, मीराबाई चानू, 1 मेडल आया है गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा और 4 और हमारे पास है 4 मेडल ब्रॉन्ज मेडल बजरंग पुनिया, इंडिया मेंस हॉकी टीम, पीवी सिंधु और लवलीना। ये 7 मेडल टोटल हमारे हैं। लंदन का जो ओलंपिक्स था उसमें भी 6 मेडल थे जिसमें से 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज थे, लेकिन अब की बार इंडिया ने अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया, 1 गोल्ड के साथ 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल, टोटल 7 मेडल टोक्यो ओलंपिक्स से आए हैं। हालांकि आज क्लोजिंग सेरेमनी रहेगी, आज के दिन ओलंपिक्स खत्म हो चुके हैं, अब पैरा ओलंपिक्स स्टार्ट होंगे 24 अगस्त से। तो ये थी दोस्तों उत्तराखंड की कुछ अपडेट और देश प्रदेश से जुड़ी कुछ खबरें। इसी तरीके से हर रोज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर रोज आपको अपडेट्स मिलते रहे, न्यूज मिलते रहे और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।